नमस्कार दोस्तों, वंस अगेन वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मेरा नाम विक्रम और आप देख रहे हैं इंडियन होटलिस्ट यूट्यूब चैनल। देखिए दोस्तों, अभी इंडो चाइना बॉर्डर पे तनाव बढ़ने से अभी आप लोगों ने बैन चाइना, बाइकॉट चाइना, ये अभी बहिष्कार कीजिए चाइनीज प्रोडक्ट्स का, ये बहुत से कुछ देखे होंगे, सुने होंगे और आप भी अभी अपने व्हाट्सएप में, फेसबुक में, इंस्टाग्राम में शेयर कर रहे होंगे। सो इन सब से हटके मुझे कुछ ऐसा मिला है जो मुझे लगता है कि आप लोगों के साथ शेयर करना जरूरी है। आज हम लोग बात करने वाले हमारे यूनियन मिनिस्टर रामनाथ आठवले, अभी भी नहीं पहचाने तो ये देखिए। हाँ जी, अब तो पहचाने गए होंगे ना, ये हैं हमारे यूनियन मिनिस्टर मिस्टर रामनाथ आठवले जी। इंडो चाइना के बॉर्डर पे हमारे बढ़ते तनाव को देखते हुए अपना कुछ ऐसा स्टेटमेंट पास किया। इन्होंने बोला कि हमारे जो चाइनीज फूड है और हमारे चाइनीज रेस्टोरेंट है उन पे प्रतिबंध लगा देना चाहिए। यही न्यूज मैंने अपने न्यूज वीडियो में कवर की थी, तो वहां पर एक कमेंट आया था कि सर वो हमारे चाइनीज प्रोडक्ट को बहिष्कार करने के लिए कह रहे हैं, न कि चाइनीज फूड को। तो आप ये देख लीजिए ना, ये है कि जो चाइनीज होटल्स है, चाइनीज रेस्टोरेंट है, ऐसे रेस्टोरेंट पर पाबंदी लगानी चाहिए और चाइनीज रेस्टोरेंट चलाने वालों ने चाइनीज रेस्टोरेंट बंद करना चाहिए, सरकार ने उनको इसी तरह का आदेश देना चाहिए। ऐसे चाइना के जो फूड है उस पर भी सभी लोगों ने बहिष्कार डालना चाहिए। मतलब चाइनीज फूड को भी बैन करना है, चाइनीज रेस्टोरेंट को भी बंद करना है, सर इसमें लॉजिक कहाँ है? सर आपने बोला कि चाइनीज फूड को बैन करना है, चाइनीज रेस्टोरेंट को प्रतिबंध लगाना है, ठीक है कर देंगे, बट मुझे इसमें बताइए लॉजिक कहाँ है? अगर हम किसी भी चाइनीज प्रोडक्ट को यूज करते हैं राइट, तो हम उस गवर्नमेंट को, चाइना गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं इनडायरेक्टली राइट। बट हम यहां पर अगर गोभी मंचूरियन बनाते हैं रेस्टोरेंट में तो हम उसमें चाइना को कैसे सपोर्ट कर रहे हैं? यहां पर कुछ लॉजिक हुआ नहीं। अगर हम गोभी मंचूरियन, गोभी लेने के लिए हम चाइना तो जाते हैं नहीं। अगर हम कोई ऐप यूज कर रहे हैं राइट, जैसे कि मैं बात करूं टिकटॉक की, वैसे वो हमारा टॉपिक नहीं है, उसको साइड करते हैं। अदर जैसे भी हमारे बहुत सारे ऐप हैं, जैसे अभी 52 ऐप्स की हमारी टेक्निकल गुरु जी ने अभी लिस्ट निकाल रखी थी, यप। सो ऐसे अगर हम ऐप्स यूज करते तो उसका डायरेक्टली इनकम जाती है चाइनीज गवर्नमेंट को। और चाइनीज फूड हम कोई भी अगर स्पाइसेस यूज करते हैं, या फिर हम लोग गोभी मंचूरियन की बात कर रहा था मैं, गोभी लेने हम लोग चाइना जाते नहीं है सर, पहली बात। अगर किसी भी रेस्टोरेंट की बात करता हूं तो मैं, कोई स्पाइसेस यूज करते हैं वो हम चाइना से लेते नहीं है। दूसरी बात, यहां पर बात करते हैं कि जो खाना बनाते हैं वो भी इंडिया के ही शेफ होते हैं। तो यहां पर बात आती है कि हम लोग किस बेसिस पे चाइनीज फूड को बाइकॉट करें, बैन करें, या फिर चाइनीज फूड ही ना खाएं, सिर्फ उसका नाम चाइनीज। सर हम इसमें चाइनीज का नाम चेंज कर सकते हैं, तो यहां पर कोई लॉजिक ही नहीं बनता है चाइनीज फूड को बैन करने का। बात करते हैं हमारे रेस्टोरेंट्स की या फिर हमारे होटल्स की। देखिए कोई भी अगर मैं बात करता हूं, क्लाउड किचन है या फिर हमारे कोई भी स्पेशलिटी रेस्टोरेंट है, थोड़ी सी नॉलेज की बात करते हैं। स्पेशलिटी रेस्टोरेंट वो होते हैं जहां पर पर्टिकुलर क्यूजिन का खाना मिलता है। सो यहां पर हम, हमारे पास किसी ओनर ने, देखिए अगर कोई रेस्टोरेंट ओपन कर रहा है वो ओनर इंडिया का है, वहां पर जो काम कर रहे हैं वो इंडियंस हैं, जो वहां पर खाना बना रहे हैं चाइनीज खाना बना रहे हैं वो भी इंडियन ही है। दूसरी बात करते हैं आपके स्विगी, जोमेटो और आपके डोंजो, ये एप्स ऐसे हैं जिसमें कि आपके चाइनीज की स्पॉन्सरशिप आती है। बीसीसीआई ने साफ तौर पे बता दिया है कि जो उनकी आईपीएल की स्पॉन्सरशिप है वो वीवो ही करेगी। कल मैं एक वीडियो देखा था, किसी बंदे ने अपने सेकंड फ्लोर से अपना घर का टीवी उठा के बाहर फेंक दिया कि वो चाइनीज टीवी है। सीरियसली भाई साहब, आपने चाइनीज टीवी खरीद लिया, आपने पैसे दे दिए, वो पैसे ऑलरेडी चले गए, आपने घर पे बैठ के अपना टीवी एंजॉय करना था, तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखना था राइट, आपने वो टीवी फोड़ दिया, पैसे भी चले गए, अभी आप जाके वापस मार्केट में जाके खरीदेंगे। देखिए यहां पर हम चाइना को बैन नहीं कर सकते और ना ही बाइकॉट कर सकते हैं, बिकॉज यहां पर उसका इंडिया में चाइना का बहुत बड़ा मार्केट है। इसको बैन कर सकते हैं कैसे, जब हमको यहां पर हमको सब कुछ इंडिया में मिलने लग जाएगा। यहां पर थोड़ी सी प्रैक्टिकली बात करते हैं, अगर मैं हूं, मुझे सब कुछ मिल रहा है, खाने को मेरे को मिल ही रहा है, मुझे कुछ काम करना ही नहीं पड़ रहा है और सब कुछ मुझे घर पे बैठे बिठाए मिल रहा है, तो मैं बाहर जाके काम क्यों करूंगा? अगर इंडिया में सब कुछ इंडिया में बना हुआ मिलने लगे, आपने देखा होगा फ्रीडम 251 मोबाइल फोन कैसा था वो राइट, अगर हम क्या उस फोन से टेक्नोलॉजी कितनी आगे बढ़ गई है और आप उसको 251 फ्रीडम फोन हाथ में दे रहे थे, तो फिर मतलब यहां पर तो फिर अब पब्लिक तो जाएगी ना, उसको भी नीड्स हैं। हम लोग एक तरफ तो बात कर रहे हैं बाइकॉट कीजिए, बैन कीजिए चाइना को, सारे ऐप्स वहां से प्ले स्टोर से हटवा दीजिए, इंडिया में आने ही नहीं चाहिए। और अभी K9 Pro अभी फोन आया था अमेजोन पे लाइव, 9 सेकंड या समथिंग, 9 सेकंड या 19 सेकंड में वो पूरी उसकी सेल गायब हो गई थी। वन प्लस उसकी भी सेल ओवर।